गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वी आर डिस्कस आवर न्यू चैप्टर. आफ्टर सम टाइम वी आर मीटिंग नाउ. चैप्टर नंबर 5, डिवीज़न. डिवीज़न से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बारे में हम जानेंगे कि डिवीज़न होता क्या है. इसीलिए मैंने आपको कल टेबल डोजिंग भी दी थी और लर्न करने के लिए टेबल भी दिए थे. तो कम टू द पॉइंट, चैप्टर 5, डिवीज़न. डिवीज़न के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, सेम वैसे ही क्या होता है, उसका डिवीज़न भी निकालना होता है. डिवाइड करना, डिवीज़न मतलब इस टाइप से डिवाइड करना. अब आपको याद आ गया होगा, है ना. तो इसी तरीके से क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे रिकैप से ऊपर देखिए. यहाँ एक स्टेटमेंट गिवन है कि टू फाइंड द आंसर, आपने आंसर निकालना है. वी नीड टू डिवाइड 112 डिवाइड 8, यानी आपको आंसर फाइंड आउट करना है. वी नीड टू डिवाइड कि इसको डिवाइड करने पे आपके पास क्या आंसर आएगा. तो 111 डिवाइड 8 इक्वल टू 14, इन्होंने आंसर निकाल दिया. सो 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन ए लीटर. ये देखिए इसका क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है. मैंने सिंपल वे से आपको यहाँ से पहले बताया है. पहले क्या दे रखा है कि रोनित ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए टू बी बाय कार. यानी रोनित नाम का पर्सन है जो क्या करता है, एक सिटी ए से लेके सिटी बी तक जाता है, जिसके बीच का डिस्टेंस है 112 किलोमीटर. 8 लीटर पेट्रोल, 8 लीटर पेट्रोल इज़ यूज्ड इन ऑल फॉर द ट्रिप. यानी उसको 8 लीटर पेट्रोल यूज़ होता है उसकी एक ट्रिप में. कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन ए लीटर, कितने लीटर के अंदर उसका डिस्टेंस कवर होता है. तो देखते हैं वो कितना लीटर उसे कितने कवर करता है उस लीटर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग बताया गया. तो मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व और किया. ये देखिए, पहले मेरे पास 112 था, डिवाइड 8 कर दिया मैंने. 8 को कैसे लिखा, बाहर वाली साइड, क्योंकि ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट होता है, ये जीरो हमारा रिमाइंडर होता है. बट ये जो अंदर वाली साइड होता है ना, वो डिवाइडेंड होता है. इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड. डिवाइडेंड और डिवाइज़र में हम कन्फ्यूज़न होता है. डिवाइज़र जर बार होएगा, डिवाइडेंड बड़ा सारा अक्षर है, तो इट मीन्स अंदर वाली साइड आएगा, क्योंकि अंदर वाली स्टेटमेंट बड़ी होती है ना और बाहर वाली स्टेटमेंट छोटी होती है. अब देखिए 8 से मैंने डिवाइड किस प्रकार से किया, ये देखिए 8 वन जा 8, 11 में से 8 कट किए 3, ऊपर से मैंने 2 ले लिया, मेरे पास आ गया 32. 8 फोर जा 32 होता है. इस तरीके से मैंने इसको राइट डाउन किया और 32 में से 32 कट कर दिया, मेरे पास आ गया 0. ये मेरा रिमाइंडर है जो 0 आया, ये ऊपर वाली साइड जो आंसर है वो कोशेंट है. तो इट मीन्स इसका ये आंसर दे गिवन है हमारे को. ये 14 आप पूछ रहे थे ना भाई कहाँ से आया, ये देखिए ये 14 इस तरीके से आया, 14 किलोमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेप एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स का मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. ये कह रहा है 6 मल्टीप्लाई में 15 करते हैं तो 19 आते हैं. कैसे आते हैं, 15 की टेबल राइट करते हैं हम. आप अपनी रफ नोटबुक में करोगे, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, 15 फाइव जा 75, 15 सिक्स जा 90. आ गया ना, 15 सिक्स जा 90 हमारा आंसर आ गया. ये कह रहा है अगर हम 90 को 15 से डिवाइड करें तो 6 आता है. कैसे आता है, क्योंकि 15 की टेबल पे 6 पे क्या आता है, 90 आता है. ठीक है, इसी तरह से 10 मल्टीप्लाई में 11 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास. ये देखिए 10 मल्टीप्लाई में 11 करेंगे कितना आएगा, 110. अब 110 करेंगे तो अगर 110 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 11 आएगा. कैसे आएगा, ये देखिए ये लिखा हुआ 10. पहले मैंने किया 10 वन जा 10, फिर मैंने कट कर दिया, आंसर आ गया 10 नीचे, क्योंकि 0 भी ऊपर से उतार लिया, एक 1 निकाल दिया, 10 आ गया. फिर अगेन मैंने किया 10 वन जा 10, मेरे पास 0 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 10 में से 10 कट कर दिया, 0 आ गया, 11 मेरा क्वेश्चन आ गया, ये मेरा डिवाइजर था. इज़ दैट क्लियर, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रही है और आप लोग अच्छे से कर सकते हो इसको. तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 मल्टीप्लाई में 16, कि 3 को मल्टीप्लाई, 16 थ्री जा कितना होता है, 48. आप लोग इसमें पेंसिल से फिल भी करोगे आंसर. अब इस 48 को यहाँ राइट करोगे कि 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है. इस तरीके से रफ वर्क में करके देखना आप लोग, 48 3 से डिवाइड करो, 48 3 से डिवाइड किया, 3 वन जा 3, 4 में से 3 कट किया 1, 8 हमने नीचे निकाला 18,
हाँ जी, 3 6 18, 18 में से 18 कट किया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो इसमें से हमारा आंसर क्या गया, 16। क्या आंसर आया हमारा, 16, जो यहाँ पेंसिल से फिल करोगे। इज़ दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग करवाई है मैंने डिवाइड की, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। इसके डी और ई पार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, जो आप लोगों ने फिल करनी है। ओके बेटा, और इनको अच्छे से करना है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से आप पूछ सकता है, ठीक है? कॉल करके आप पूछ सकते हो कि मैम ये हमें ये समझ नहीं आया। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस।